सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। संगीत का सितारा वही कहलाता है जो अपनी रोशनी से पूरे जहां को गुलजार कर दे। नजारे अपनी मस्तियां लुटा लुटा, शायद यही सोचकर ऊपर वाले ने मोहम्मद रफी को जमीन पर उतारा। सुर के शहनशाह का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ। अपने 6 भाइयों में दूसरे मोहम्मद रफी को घर वाले प्यार से फीकू कहकर पुकारते थे। केवल 7 साल की उम्र में उन्होंने बड़े गुलाम अली खान साहब से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तालीम ली, क्योंकि इस सितारे को संगीत की आसमां का आफताब जो बनना था। चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक चाँद जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। 1941 में 20 साल की उम्र में मोहम्मद रफी ने करियर की शुरुआत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच से की, जिसमें इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्याम सुंदर जी रफी के सिंगिंग स्टाइल से काफी प्रभावित हुए। 1942 में मोहम्मद रफी ने मुंबई के दरवाजे पर अपनी दस्तक दी। तब एक बार फिर श्याम सुंदर जी के निर्देशन में पहला गाना फिल्म गांव की गोरी के लिए रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत भर थी। अभी इस संगीत की राही को काफी दूर जाना था। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।